में बैठे तमाम चेयरमैनों को नमस्कार, जमीन में खड़े जमींदारों को भी नमस्कार, गेट में खड़े तमाम गेट कीपरों को भी नमस्कार, माइक से चिपके मक्कारों को भी नमस्कार। नहीं तो आप सोचेंगे अपने को छोड़ दिया। और गद्दी में बैठे गद्दारों को भी नमस्कार। आज की ये शाम सैनिकों के नाम करता हूँ और देश की हिफाजत करने वालों को सलाम करता हूँ। ये 90 चैनल देखने वाली पीढ़ी है सर, अपन तो अंदाज नहीं लगा सकते। मेरा 6 साल का बेटा, हम दोनों बैठ के फिल्म देख रहे, खतरनाक सीन आया। हीरोइन गाते हुए कहती, सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, वो जाड़े में बलमा बड़ा प्यारा लगे। मैंने कहा, अब खटिया सरके की बाप बेटों को एक साथ नहीं देखना चाहिए। मैं कहा, अब उठ के भागेगा वो 90 चैनल देखने वाला, ऐसी आंख फाड़ के देख रहा। मुझे ही शर्म आ गई, मैं बाहर चला गया। 5 मिनट के बाद बच्चा बाहर आया, बोले पापा चलो टीवी देखो, वो सीन निकल गया। देशभक्ति की 4 लाइन सुनाता हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम की है। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी हुई अपनी कहानी दे दी। ओ मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने अपनी जवानी दे दी। आप सैनिक हैं, समझते हैं। मैंने तो एक गांव में ये शेर पढ़ दिया तो एक का वीर रस जाग गया। हाँ, उसकी उम्र केवल 6 साल की थी सर, और वो बच्चा जागा और उठकर ही भागा, सीधा अपनी माँ के पास गया। बोले, माँ आज तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा। माँ बोली, पहले दूध वाले का चुका दे, 6 महीने से चक्कर काट रहा। कभी कभी गलत भावनाएं जाग जाती, मगर मैंने एक बार पुणे में पढ़ा तो बच्चा आया, उसके अंदर भी वीरत जागा। हाँ सर, बोले एहसान भाई, मैं मुशर्रफ को मारना चाहता हूँ। मैंने, क्यों भाई, क्यों मारना चाहता है? बोले, सर वो हमेशा उल्टा ही काम करता, हम मोहब्बत की बस भेजते, वो कारगिल का युद्ध भेज देते। तो मैंने कहा, काय से मारेगा? बोले, शिवाजी का भक्त, उन्हीं की तलवार से मारूंगा। मैंने कहा, यार वो तो पुरानी हो गई, जंग लग गई होगी। बोले, सर वो जंग लगी से ही मारना चाहता हूँ। क्यों? बोले, सेप्टिक से तो मरेगा। मगर मैंने समझाया, बेटा ऐसा लोड मत ले। हाँ, पाकिस्तान का क्या लोड लेना, अपना बच्चा ही हो, अपने से अलग हुआ तो अपने बेटे का ज्यादा लोड नहीं लेना। वैसे भी जितनी आबादी पाकिस्तान की, उसने तो अपने यहाँ जेल में ही पड़े रहते। हाँ, सारे कैदियों को बोलो सजा माफ, दूसरे दिन पाकिस्तान सा, तो वही निपटा के आ जाएंगे। मगर ये सैनिकों की बातें हैं। मेरे बाजू में सुरजीत अंकल रहते, मैं उनके चरण छू के ही निकलता, क्योंकि बहुत प्यारे आदमी। एक दिन गड्ढा खोद के बैठे, मैंने कहा, चाचा क्या कर रहे हो? बोले, डीप थिंकिंग। हाँ, उनका तो भैंस का तबेला, 40 भैंस। एक किसान दौड़ के आया, बोले, सुरजीत अंकल मेरी भैंस चारा नहीं चर रही। वो आपकी भी नहीं चरती थी, आपने क्या दिए थे? ओए, बोले, मैंने 1 लीटर डीजल पिला दिया था। वो तो सुनते ही भागा किसान, सुन तो वो उसको फुर्सत ही नहीं, उसने डीजल पिलाया, भैंस मर गई। वो लठ लेके आया, ओए सुरजीता मेरी भैंस मरवा दी। बोले, क्या किया? बोले, डीजल पिलाया, भैंस मर गई। बोले, मेरी भी तो मर गई थी, तूने रिजल्ट ही नहीं पूछा। तो
तू तो ऐसा ही वाला, इसलिए मैं समाज का बहुत सम्मान करता हूँ।